टीवी सीरियल गुलाम में हाई वोल्टेज ड्रामा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुलगुली अपने घर पर अपना राज कायम रखती है और अब उसने एक नया ऑर्डर सुनाया है। एक्चुअली गुलगुली ने दिया है शिवानी को नाचने का हुक्म। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन। तो आपको बता दें कि घर में आने वाला है कोई महाराजा जिसके लिए शिवानी को नाचना होगा। अब गुलगुली ने ऑर्डर तो दे दिया है लेकिन शिवानी ने नाचने से कर दिया है साफ साफ इनकार। अब भाई शिवानी, शेर के मुंह में हाथ डालना तो कोई तुमसे सीखे। बस अब देखना यह है कि क्या शिवानी को नचाने के लिए गुलगुली कोई नई चाल चलेगी या फिर शिवानी खत्म कर देगी गुलगुली का राज। वैसे तो मैं तो हमेशा नाचती रहती हूँ लेकिन आज मैं इसे सिखा रही हूँ नाचना और शिवानी को भी डांस सिखा रही हूँ क्योंकि एक किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं हम। किसकी ये तो नहीं बता सकते लेकिन किसी के स्वागत की बहुत ज़ोरदार तरीके से तैयारी चल रही है और सासू माँ बहुत खुश हैं मुझसे क्योंकि मैं सबको डांस सिखा रही हूँ। वैसे देखा गया एक बहुत नाच रही है लेकिन तीसरी बहुत गायब तीसरी बहू बहुत नाजुक है ना, उसको जरा सी खरोंच आती है तो वो तिल का ताड़ बन जाता है तो वो अपने कमरे में आराम करने गई। वैसे किस मेहमान इतनी ज़्यादा तैयारी रही, कौन महाराज आने वाले? नहीं बता सकते, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा गुलाम 9 PM लाइव। ओके महाराज डेफिनेटली कोई तो महाराज हैं जिनके लिए अच्छा, जैसे कि मालदा वाली जो हैं, बंगाल में एक नाट्य ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं यात्रा, सभी लोग जानते होंगे ये बहुत। तो मालदा वाली जो हैं वो मालदा से यात्रा ग्रुप में डांस किया करती थी और एक्ट्रेस थी, यात्रा ग्रुप की थिएटर की डांसर रही थी तो ये वहाँ से उठा के लेके आए थे। तो इसलिए इनको नाच का बहुत शौक है, इनको नाच आता है तो मैं पूरा डिपेंडेंट रहती हूँ कि ये संभाल लेगी सब। बहुत एंजॉय करते हैं लोग डांस और हमें मौके भी बहुत मिले हैं डांस के। ये क्लासिकल करते हैं और मैं भांगड़ा करती हूँ और मैं इनको अपनी उंगलियों पर नाच मचाती हूँ जैसे अभी देखा। थैंक यू थैंक्स।